हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीतिमन में। पूरे भारत देश से ही वैकेंसी ये निकल रही है गवर्नमेंट टीचर की। यहाँ हम बात करने वाले हैं एक और गवर्नमेंट टीचर्स की। वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्राइमरी 1 से 5 के लिए यहाँ बीएड वाले भी एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। हर जिले वाइज निकाली गई है, तो सारी डिटेल हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में बीएड वाले भी यहाँ एलिजिबल रहेंगे, तो हर कोई यहाँ पर फॉर्म भर पाएगा। तो दिनांक 19 जुलाई का ये एडवर्टीजमेंट है, यानी कल की डेट का है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के विभिन्न पदों के लिए झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8 अगस्त से दिनांक 7 सितंबर की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो काफी समय है, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 8 अगस्त से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को देने वाली हूं, और आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट है इसकी www.jssc.nic.in। परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूं तो नाम मात्र की फीस है, 100 रुपए आपको यहां देने होंगे, और आरक्षित वर्ग जो है उनकी कोई भी फीस नहीं है। यहां पर जो है जिले वाइज जो है पद यहां पर बटे हुए हैं, तो यहां आपको पता है, मैंने पूरी एडवर्टीजमेंट पढ़ ली, 24 जिले हैं, तो 24 जिले वाइज जो है वो अलग अलग कैटेगरी के जो है वो पद यहाँ पर आरक्षित हैं। यहाँ पर जो है वो आयु सीमा जो है रखी गई है 21 वर्ष न्यूनतम रखी गई है, और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष रखी गई है सामान्य कैटेगरी के लिए। बाकी जो है आरक्षित वर्ग जो है उनको उनकी कैटेगरी का जो है उम्र में भी फायदा मिलेगा। और यहाँ पर एक लाइन जो है वो स्पष्ट है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि झारखंड का वो निवासी होना चाहिए। तो पूरी जो पीडीएफ फाइल है उसमें 135 पेज हैं। अब 135 पेज जो है वो पढ़ना संभव नहीं है। यहाँ पर जो है लिखा है 12 नंबर में कि ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यानी कि एडवर्टीजमेंट में सारी चीजें जो है डिटेल में लिख दी गई है। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले सारी चीजें जो है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका जो है वेबसाइट का जो लिंक है वह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम यहाँ पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और वेतन क्या रहने वाला है, तो वह हम देखेंगे 1 से 5 के लिए। मैंने सारा एडवर्टीजमेंट जो है वो डिटेल में अच्छे से जो है वो पढ़ लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट जो है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपसे जो है वो 50% अंकों के साथ 12th मांगा गया है, और प्रारंभिक शिक्षा में जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। दूसरा, यहाँ पर अगर किसी ने बी एल एड किया है तो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। तीसरा, यहाँ पर जिसने 1 वर्षीय बी एड किया है और स्नातक में उसके 50% अंक है, या 2 वर्षीय बीएड किया है या बीएड विशेष शिक्षा में किया है, तो भी यहां पर वह एलिजिबल रहने वाला है। यहां पर जो है 1 से 5 की क्लास के लिए जो अध्यापक बनेंगे तो 25,000 से लेकर सैलरी जो है वह 8100 तक रहेगी, ठीक है, 8100 रुपए तक रहने वाली है। साथ में यहां पर एक चीज और दी गई है प्लस में कि यहां पर जो झारखंड टेट है जे टेट वह भी उत्तीर्ण आपका होना चाहिए 1 से 5 के लिए। नेक्स्ट, जो यहां पर 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए गणित और विज्ञान के लिए कहा गया है कि 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए साइंस, या साइंस स्नातक प्रतिष्ठा गणित भौतिकी रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान इसमें होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा लिखा गया है कि स्नातक और इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो तो यहाँ पर एलिजिबल हो, वह किसी भी नाम से जो है वो जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है वो आपने स्नातक बीएड किया हो। और भी है यहाँ पर ऑप्शन में, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, या 50% अंकों के साथ आपने 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या बीएड या बीएससी एड, ठीक है, ये सब आपने कर रखा हो, या फिर आपने विशेष शिक्षा में अगर 2 साल का बीएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हो। यहाँ पर हम बात करें अगर सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो मुझे भी है। क्या है वो कन्फ्यूजन कि न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक जो है मांगा गया है इन सभी सब्जेक्ट में, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र समाजशास्त्र लेखा शास्त्र व्यापार अध्ययन, तो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है कि 3 वर्षीय स्नातक जो है वो आपने कितने सब्जेक्ट में, ये सारे सब्जेक्ट में जो है वो ये तो संभव ही नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है इन सभी जो है मैं जो है उसने स्नातक किया हो, ठीक है, यहाँ पर अथवा जो है इनको या इनको जरूर लगाना चाहिए था,
तो इस पे जो है वो आगे विचार करेंगे। अभी फॉर्म जो है वो 8 अगस्त से आएगा। यहाँ पर पेमेंट रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा, ठीक है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा का शिक्षक बनने के लिए 6 से 8 के लिए, यहाँ पर जो भाषाएं हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, इनमें से होनी चाहिए, या खड़िया, खुड़खू, कुरमाली, खोटा, पंच, परगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में किसी एक विषय में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, इनमें से जो है एक विषय में जो है वो आपने 3 वर्षीय स्नातक कर रखा हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर 6 से 8 के लिए आपने 6 से 8 का जो है JTET पास आपका होना चाहिए। तो चलिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 8 अगस्त को, मैं आप लोगों को बता दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।